गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। बहुत सनी डे है, कल तक तो ऐसा था इतना बारिश गिरेगा। एक्चुअली शाम को गिरा भी थोड़ा बारिश जब मैं मार्केट गई थी तभी। एंड कल व्लॉग नहीं आया, एक्चुअली व्लॉग रेडी था जो आप लोग ने आज देखा है। कल सुबह 8 बजे जो हम लोग का बिल्डिंग का गेट है ना, उसके सामने जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल था वो पूरा का पूरा पोल गिर गया। और 8 बजे से जो लाइट गई वो शाम को 7 बजे आई। पूरा दिन वो लोग रिपेयरिंग ही कर रहे थे, एंड टचवुड वो रिपेयर हो गया, इसलिए रात को लाइट आई। वरना पूरा रात भी हम लोग को ऐसे ही निकालना पड़ता था जैसे दिन निकाला, बट हो गया रिपेयर। इसके लिए मेरा वाईफाई भी बंद हो गया, और वाईफाई बंद होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली मेरे डेटा पे चला गया जो मैंने अपलोडिंग के लिए डाला था। और आप लोगों को पता है व्लॉग अपलोड करने के लिए बहुत GB लगता है, और मेरा पर डे का 1.5 GB वाला पैक है ना, तो वो 1.5 GB उसको सफिशेंट नहीं हुआ। एटलीस्ट उसको 3-4-5 GB लगता है, तो वो व्लॉग उधर ही अटक गया, अपलोड हो ही नहीं पाया। जब शाम को लाइट आया मैंने उसको अपलोडिंग के लिए डाला, और उसके बाद वो अपलोड हो गया। तो मुझे इतने सारे जन मैसेज कर रहे थे, बट वाईफाई बंद था तो मुझे मैसेज भी नहीं रिसीव हुआ किसी का कि इशिता व्लॉग क्यों नहीं आया। और जब मैंने 7 बजे के बाद व्हाट्सअप ओपन किया, आई हैड मोर देन 250 मैसेजेज ऑन माई व्हाट्सअप, जिसमें इमिटेशन ज्वेलरी का भी था, आप में से भी बहुत सारे जन का था जो मेरी यूट्यूब फैमिली। ये देखिए अभी यहाँ पे पार्किंग का आदत हो गया है ना, तो स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है कि हम लोग का गाड़ी अभी यहाँ पे पार्क होता है। देखिए जो हम लोगों का पता आ गया, हाँ पार्किंग स्पेस है वहाँ पे। मेरी स्कूटी है, बाइक है, और सानवी का साइकिल भी है। एक्चुअली बिल्डिंग वालों ने अभी नया रूल निकाला है कि आप आपके घर के बाहर साइकिल नहीं रख सकते हो, भले छोटे बच्चों का हो या बड़ों का हो, लिफ्ट से लेके नहीं जा सकते हो। और इसके लिए सब लोग को बोला है जिनके भी पास ऐसे छोटे छोटे साइकिल है ना, छोटे बच्चों का, ऑब्वियसली ये बड़े वाले साइकिल तो ऊपर रहते ही नहीं है, तो नीचे ही रहते, बट ये छोटे वाले साइकिल सब जन को बोला है कि नीचे जाके पार्किंग में डाल दीजिए। अभी हम लोगों का तो पार्किंग स्पेस है, इसके लिए यहाँ पर पार्क कर दिया है। एंड यस्टरडे का डे वॉज जस्ट सुपर्ब, मतलब जो मैंने लाइव किया है ना वो वाला ब्लॉग, वो वाला वीडियो 25,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। एंड बोलते ना वो क्लाइंट लोग की बरसात, ऐसे मेरे ऊपर बरसात हो गई है, और मेरे को बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, इतना ओवरफ्लो बुकिंग हो गया है। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक फैक्ट्री नहीं है 100-100 पीस का, तो इसके लिए मैं सबको कंफर्मेशन नहीं दे पा रही हूँ, वरना कैसे हो जाएगा। मैं सबको बोलूँगी हाँ अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल है, और फिर सब पेमेंट कर देंगे। इसलिए मैंने ना अभी तक 200 मैसेज पेंडिंग रखा है जिनको मैंने रिप्लाई नहीं दिया है। बहुत सारे जन मुझे कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉल पर भी उनको यही बोल रही हूँ कि जब तक पहले का पार्सल डिस्काउंट नहीं होगा, स्टॉक का स्टेटस नहीं समझेगा, मैं आप लोगों को आगे का स्टॉक कंफर्मेशन नहीं दूंगी, क्योंकि घर में स्टॉक नहीं है, मुझे ऑर्डर करना पड़ता है, ऑर्डर में वहाँ पे अवेलेबल होता है नहीं होता है, अगर होगा तो आने में कितना दिन लगे, वो सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो ऑनलाइन बिजनेस इज़ जस्ट नॉट ईजी, और अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि येस इट इज़ जस्ट नॉट ईजी, अभी बहुत डिफिकल्ट टास्क होते जा रहा है मेरे लिए टू मैनेज इट ऑल अलोन। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ऑब्वियसली अगर ऐसे ही रहा तो आई कीप वन हेल्पिंग हैंड फॉर मी, क्योंकि पहले कैसे से मेरी यूट्यूब फैमिली थी तो उतने छोटे में टुकुर टुकुर हो जाता था मैनेज, बट अभी इतने सारे क्लाइंट्स को ना मैं एक साथ हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस यूट्यूब है और शादी का घर है ना, तो इतने शादी की तैयारी हम लोग की चल रही है, मतलब ब्लॉग में तो नहीं दिखा पा रही हूँ, बट यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये लाओ वो लाओ। कल भी मैं फॉल फिटिंग देने के लिए गई तो शॉप बंद था, तो आज फॉल फिटिंग के लिए देने जाऊँगी, तो इतने सारे साड़ी लाए थे। एंड लिटरली जो हम लोग साड़ी लेकर आए ना, वो थैली जैसे मैंने ला के रखा ना, वो 4 दिन तक वैसे का वैसे ही था, मेरे को उसको खोल के देखने का भी टाइम नहीं, वरना यूजली हम लोग लेडीज़ लोग क्या करते हैं शॉपिंग करके आने के बाद भी वो जो शॉपिंग किया खोल खोल के देखते, पहन के देखते, लगा के देखते, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उसको हाथ भी लगाऊं। तो मैंने कल मम्मी मावशी में बैठ के सब साड़ी ओपन किया, जिसको फॉल फिटिंग क्या डिज़ाइन, ब्लाउज का क्या डिज़ाइन है, वो सब डिसाइड किया और रेडी करके रख दिया। एंड मावशी ने कल बहुत हेल्प किया, पूरा कैलेंडर लेके बैठी मावशी और बुक लेके बैठी, फिर हल्दी कौन से दिन है, मेहंदी कौन से दिन है, चावल साफ़ करने का कौन सा दिन रखेंगे, हल्दी कूटने का दिन कौन सा रखेंगे, बांगड़ी भरने का दिन कौन सा रखेंगे, कितने बजे रखेंगे, कौन कौन आ रहा है, वो सब मावशी ने लिख के लिया। खाना बनाने के लिए क्या तैयारी लगेगा, मावशी को अगर कुछ लाना है तो क्या लगेगा, तो मतलब शी रियली हेल्प्ड अस अ लॉट, एंड आई एम फीलिंग गुड दैट मावशी 4 दिन के लिए आई। मम्मी को भी बहुत अच्छा फील हुआ, मम्मी तो ये बोल रही थी और थोड़ा दिन रह के जा, बट मावशी को भी दिवाली का तैयारी करना है तो शी हैज़ टू गो बैक, बाद में शादी के 8-15 दिन पहले मावशी आ जाएगी। और सच में मावशी के एक जन के भी रहने से घर में कितना फ़र्क पड़ता है, शी रियली हेल्प्ड अस सो मच। उनका शादी का तैयारी कैसे किया, क्या क्या उन लोगों ने कैसे किया, वो सब कल मावशी समझा रही थी, बता रही थी कि कैसे प्रॉब्लम आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, हम लोग को क्या प्रॉब्लम आया था, कैसे उसको सॉल्व किया, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, शी रियली हेल्प्ड अस सो मच।
और फाइनली आज का डे स्टार्ट हो गया। उस दिन तो हम लोग वेनसडे को मटन नहीं बना पाए क्योंकि शादी का इनविटेशन कार्ड रखना था, तो आज फाइनली आई एम गोइंग टू गेट मटन। ऑब्वियसली फ्राइडे है तो मेरा उपवास है, आई एम नॉट गोइंग टू ईट। मम्मी मावशी डैडी और निशु खाएंगे, मम्मी नहीं खाएगी तो मम्मी के लिए अंडा बनेगा और मेरे लिए शाम का उपवास का जो मैं वेज खाना बनाऊंगी वही मेरे लिए और सानू के लिए। सो येस लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ मटन लाने के लिए, सानू को ट्यूशन छोड़ा है ऊपर, मावशी ने कांदा चॉप करके रख दिया है, भाकरी बनाने वाली है मावशी क्योंकि उनको मटन के साथ भाकरी खाना है। तो ऐसा हमारा पूरा दिन का स्केड्यूल है, सो लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। फाइनली मैं, मम्मा और मावशी ये रही। तो सुबह जो मटन भी बनाया था मावशी ने शूट नहीं कर पाई, इतना लेट हो गया, पर बहुत अच्छा बना था वो, तो मैंने नहीं खाया, निशु ने, मावशी ने, डैडी ने खाया, मम्मी ने अंडा हो रहा है, इतना सही हो रहा है, मतलब इतना अच्छा बना था। और कुकर में नहीं बनाया था, जैसे मैं कुकर में सीटी लगा के बनाते, मावशी का वही स्पेशल है कि वो बाहर ही उसको कढ़ाई में स्लो गैस पे रख के वगैरह सिमर करके आराम से, हाँ स्लो गैस पे कुक किया तो स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा था, बट मेरा तो फास्ट था, आई कुड नॉट टेस्ट इट। और मम्मी के लिए मैदा मसाला रस्सा टाइप बनाया, अभी सुशांत भी आएगा, रात्रि है ना तो रात तक आ जाएगा, हाँ। और मावशी कल जाने वाली है, तो फाइनली हम लोग का कल शाम का प्लान था वो कैंसिल हो गया, फिर आज सुबह का प्लान था वो कैंसिल हो गया, मावशी बोले अभी तो चलो नहीं तो हम लोग आज भी नहीं होने वाला है। तो अभी हम लोग सब देखो, मम्मी के हाथ में, मेरे हाथ में, मावशी के सबके हाथ में थैली थैली, इतने सारे साड़ी ब्लाउज पीस और वॉल फिटिंग को देना है। डिज़ाइन चूज करते करते पूरा दोपहर चला गया, ये मोस्ट ऑफ द साड़ी में डिज़ाइन डालना है। और मम्मी का ट्रीटमेंट अभी बंद कर दिया है क्योंकि ट्रीटमेंट से मम्मी को कैसा ना बेटर तो फील हुआ है लेकिन उतना नहीं फील हुआ जितना होना चाहिए था, तो मावशी बोली अभी बंद कर दे, जो भी जितना भी किया, लास्ट का तीन सेशन बचा ना, मैं दो क्या तीन सेशन बचा है, दो बचा है मसाज वाला, तो मावशी बोली बंद कर दे क्योंकि जाने के लिए आधा घंटा उधर, डेढ़ दो घंटा, फिर आधा घंटा, तो मम्मी का पूरा दिन वैसा वेस्ट हो जाता है, हाँ एक जन पूरा ब्लॉक हो जाता है उसके साथ। अभी सुशांत था तो वो जाता था, मैं थी तो मैं, अभी मावशी आई तो रोज मावशी लेके जाती है, मैं यहाँ से रिक्शा बुक करके देती थी और वहाँ से वो लोग बुक अपने आप से आ जाते थे, तो मावशी थी इसलिए मुझे इतना हेल्प हो गया। और टुमारो शी इज गोइंग, और फिर मम्मा ना पूरा ड्रेन आउट हो जाती थी, कुछ भी हो नहीं पाता था। अभी देखिए आज साड़ी में तो कितनी बेटर लग रही है, वो मैक्सी में ना मम्मा का पूरा एनर्जी लो, हाँ खुश हो जाता है, कुछ ताकत ही नहीं रहता है, मम्मी को साड़ी में देख के आदत हो गया ना, तो मैक्सी पहनती तो ऐसा लगता और ही बीमार है करके, साड़ी में भले बीमार है कि तो अभी शी लुक्स फ्रेश ओनली, और मावशी है तो ऑलरेडी वो बूस्ट एनर्जी है उनका, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मम्मी तो मावशी को बोल रही थी इधर ही रह जा करके शादी तक, बट इट इज नॉट पॉसिबल, दिवाली का भी मावशी को तैयार करना है, क्षितिजा का पहला दिवाली ना, मनाली का पहला दिवाली है क्षितिजा का, तो उनके घर में ऑलरेडी इतना सारा काम है, फराह वगैरह बनाना है, तो शील कम बैक 15 दिन पहले आ जाएगी, मावशी शादी की 15 दिन पहले बोला है, और मनाली रूपेश क्षितिजा इन लोगों को सबको 8 दिन, जीविका इन लोगों को सबको 8 दिन पहले आने बोला है। अब जिसके जॉब के हिसाब से जो जिसको अवेलेबल होगा वो, हाँ वो वैसे आते जाएगा, वो तो आप लोगों को ब्लॉग में दिखते जाएंगे। तो अभी हम लोग सब ये जितना भी साड़ी लिया है, ब्लाउज पीस लिया है, उसको अच्छे अच्छे डिजाइन में स्टिच करके लेके आते हैं। बैक होम, अभी बस 1 घंटे पहले वो आया, खाना खा लिया, फ्रेश हो गया, गप्पा मारा हम लोग ने बहुत सारे, और कल मेरा फर्स्ट 1 ग्राम ज्वेलरी लाइव होने वाला है, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट, मतलब नर्वसनेस भी उतना ही हो रहा है, खुशी भी उतनी हो रही है, सब मिक्स फीलिंग आ रहा है कि फर्स्ट लाइव है तो कैसे होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, बट आई एम जस्ट बोलते ना मैं एकदम न्यूट्रल माइंड से करने वाली हूँ कि बस मुझे अच्छे से मेरा लाइव करना है, अच्छे से कलेक्शन दिखाना है, उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ऑर्डर आया, बुकिंग आया, नहीं आया, जैसा भी रिस्पॉन्स, मतलब मैं उसके लिए ओपन हूँ, रेडी हूँ,
एंड आई नो द कलेक्शन इज सुपर्ब, तो अच्छा ही जाएगा, लाइव अच्छा ही होगा, बहुत सारे नए लोग ज्वाइन होने वाले कल, क्योंकि ये लास्ट 4 डेज में जो हंगामा हुआ है ना, उसके बाद मोर देन 100 पीपल हैव ज्वाइंड. मतलब मैंने अब तक के जितने भी इवेंट क्रिएट किया ना, वो एक ही ग्रुप बनाया था इशिता स्टाइल करके ज्वेलरी का, जिसमें 250 लोग एडेड थे, उसमें प्लस माइनस होते रहते थे. बट अभी इस बार मुझे ग्रुप 2 क्रिएट करना पड़ा, जिसमें मोर देन 80 पीपल ऐड हो चुके हैं, और वो और भी 100 के ऊपर हो जाता. लेकिन मैंने इतने सारे व्हाट्सएप के चैट है ना, जिनको अब तक खोल के भी नहीं देखा है कि किसका क्या बुकिंग है, बिकॉज ऑलरेडी जो है उसको पहले हैंडल करूँ फिर आगे जाऊँ, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू टेक ओवरलैप बुकिंग ऑफ सेम ज्वेलरी. उतना मेरे पास क्वांटिटी भी होना चाहिए ना, और मैं 10 बार तो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकती हूँ, या 10 बार भाग के जाके ला नहीं सकती हूँ. सो मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा है, बुकिंग लेना पड़ रहा है. बट आई एम सुपर हैप्पी, वॉट एवर इज हैपनिंग, टचवुड, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ब्लेसिंग है. तो अभी बहुत लेट हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 11:45 राइट नाउ. मैंने अभी जस्ट इवेंट क्रिएट करके ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में, अभी ऐसा बोलना पड़ेगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों में ऐड कर दिया है. तो जो भी कल 11:30 बजे अवेलेबल होंगे, दे विल ज्वाइन. एंड आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा. इफ येस, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली. मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू.